आप सभी का स्वागत है इंग्लिश अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जितने भी हमारे दिनों का गैप हो गया था, क्योंकि मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त हो गया था, इसी कारण से जो दिनों का गैप हुआ है वहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं और आज के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी का एमपी का करंट अफेयर्स अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, परेशान नहीं होना है। इस बीच कई बच्चों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया कि सर, करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आ रही है, तो वो तो हम कर ही लेंगे। बाकी मैं आपको बता दूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि ठीक है, कम क्वेश्चन हमारे पास किसी दिन मौजूद होते हैं तो हम लोग उसको नेक्स्ट डे, एक दिन का अगर दो दिन का गैप भी हो जाता है तो आगे चलकर फिर जो दिन जब भी हम करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं तो वहाँ के क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। हार्डली एक या दो जरूरी न्यूज आती होंगी हर दिन जिस पर क्वेश्चन आने की संभावना एमपी के किसी एग्जाम में रहती है। और अगर हम एक दो दिन का गैप कर भी देते हैं तो ये जितने भी एक दो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे, जैसा हम लोग आज करने वाले हैं। तो परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चल आइए, तो छूटेगा कुछ नहीं। और फिर आपको मालूम है कि जुलाई का करंट अफेयर्स का कंबाइंड वीडियो भी आएगा, तो वहां पर भी हम लोग पूरे सारे क्वेश्चन जितने भी जुलाई के सब देखेंगे और यहां पर भी हम लोग सारे देखेंगे। तो परेशान नहीं होना है, कभी गैप भी हो जाए तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सब कवर कर लेंगे। जो नए बच्चे हैं मैं बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उससे जुड़ के आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी ऐप है इंग्लिश अधिकारी और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसका इंस्टाग्राम पेज है इंग्लिश अधिकारी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन है। ऐप और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन पर क्लिक करके उनसे जुड़ सकते हैं। ऐप पर आपको मंथली, वीकली, डेली सब अरेंज मिल जाएगा करंट अफेयर्स। चल तो अब हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या आने पर इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास के करंट अफेयर्स को देखते हैं। विच प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश वन दी गोल्ड मेडल इन दी 5th यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि एमपी में स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, और इसलिए जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, जैसे इस बार चिंकी यादव एमपीपीएससी में पूछा था, तो यहाँ पर अजय बिष्ट नाम के व्यक्ति एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है पहले ये समझे, बॉक्सिंग से संबंधित है, और हाल ही में 5th नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम क्या है, अमन बिष्ट। चले नेक्स्ट बात करेंगे। टू विच यूरोपियन कंट्री आर दी नमो बॉम्ब्स मैन्युफैक्चर्ड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया बींग एक्सपोर्टेड। तो ध्यान से सुनना है, अभी हम पुराना रिवाइज कर रहे हैं ना, तो जो लास्ट क्लास का करंट अफेयर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नमो बॉम्ब्स। तो हमने कहा कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर है, तो खमरिया जबलपुर जिले में मौजूद है, वहीं पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश में 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जो कि इस प्रकार के मिलिट्री वॉर इक्विपमेंट्स बनाते हैं, एक खमरिया जबलपुर है, एक इटारसी है, एक कटनी है। और जो खमरिया जबलपुर की जो फैक्ट्री है इसने नमो बॉम्ब्स बनाए हैं और 44,000 ऐसे बॉम्ब्स एक्सपोर्ट करेंगे स्वीडन को। अब आप सोचो, स्वीडन एक डेवलप्ड नेशन है, एक डेवलप्ड यूरोपियन नेशन है, उसको हम लोग बॉम्ब्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से जो हमारा मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डिफेंस एक्सपोर्टर बने। अभी हम लोग बहुत बड़े डिफेंस इंपोर्टर हैं, बहुत खर्चा, बहुत पैसा हमारा इंपोर्ट करने में चला जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करके उस चीज को बैलेंस करें। तो ये नमो बॉम्ब्स हैं जो कि फायर कौन सी गन से होंगे, तो L-70 गन से फायर होंगे। ये एंटी एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स हैं, यानी जो एयरक्राफ्ट है उनको टारगेट करते हुए ये बॉम्ब्स हैं। बॉम्ब का नाम क्या है, नेमो बॉम्ब्स। नेमो क्यों नाम आया, क्योंकि नॉर्डिक अम्यूनिशन कंपनी के नाम से इसका ये अब्रीविएशन आया है। और ये किसको टारगेट करते हैं, एयरक्राफ्ट को, एंटी एयरक्राफ्ट बॉम्ब है, L-70 गन से फायर होते हैं। 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, ये जो इनका डायमेंशन। रिसेंटली सिस्टर्स प्रिया कल्याणे, रिया कल्याणे वन गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स इन दी नेशनल चैंपियनशिप ऑफ विच स्पोर्ट। तो ये हैं दो बहनें, बड़ी बहन का नाम है प्रिया कल्याणे, छोटी बहन का नाम है रिया कल्याणे। अगेन स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा स्पोर्ट है ये जो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये पावर लिफ्टिंग। होश में रहना, वेट लिफ्टिंग मत करना। वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग मैंने उस दिन भी बताया था कि टेक्निकली अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, दोनों में लिफ्ट तो वेट करते हैं लेकिन पावर लिफ्टिंग ज्यादा वेट लिफ्ट किया जाता है, ये एक अलग स्पोर्ट टेक्निकली देखा जाता है, तो पावर लिफ्टिंग सिलेक्ट करेंगे, है ना। बड़ी बहन ने क्या जीता है, गोल्ड, और छोटी बहन ने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोगों का एक स्टैटिक क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीपवंश, व्हिच किंग इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ उज्जैन। तो उज्जैन सिटी के फाउंडर का नाम क्या है, तो अच्युतगामी उज्जैन सिटी के फाउंडर का नाम है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि अवंती स्टेट या उज्जैन स्टेट का फाउंडर कौन है, तो आपका जवाब होगा राजा अवंती। तो होश में रहना, अवंती स्टेट
या उज्जैन स्टेट का फाउंडर पूछे तो राजा अवंती स्टेट का फाउंडर। स्टेट बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर कई कई सिटीज होती हैं। और अगर कोई पूछे उज्जैन सिटी का फाउंडर तो सिटी का फाउंडर पूछे तो अच्युत गामी करेंगे। तो मैंने आपको बार बार बताया भोपाल सिटी के फाउंडर राजा भोज, भोपाल स्टेट के फाउंडर कौन है दोस्त मोहम्मद खान, इंदौर सिटी के फाउंडर राव नंदलाल चौधरी, और अगर इंदौर स्टेट के फाउंडर पूछेंगे तो मल्हार राव होलकर। ठीक उसी प्रकार उज्जैन सिटी के फाउंडर अच्युत गामी और अवंती स्टेट के फाउंडर पूछेंगे तो क्या बताएंगे राजा अवंती। चलो आ जाओ अब हम लोग जुलाई 19 की बात करेंगे, लेकिन इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट रहे कुछ दिनों के वो भी हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहे, परेशान नहीं होना है। रिसेंटली विच कॉलेज ऑफ एमपी हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन द कंट्री टू गेट ए प्लस प्लस ग्रेड ऑफ NAAC। ध्यान से सुनना, NAAC जिसको शॉर्ट में NAC भी बोला जाता है, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नाम से देखो क्या बोल रहे हैं, नेशनल असेसमेंट किसको असेस करता है, ये जो NAC है वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को असेस करता है और उनको ग्रेडिंग देता है। अब आप बच्चों के मन में सबसे पहला सवाल है कि सर NAC ग्रेडिंग करता ही क्यों है और क्या जरूरत है कॉलेजेस को NAC की ग्रेडिंग हासिल करने की। सिंपल सी बात है, NAC की ग्रेडिंग अगर अच्छी है इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम अच्छा है, स्टूडेंट सच में सीख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो कई सारे कॉलेज नहीं है इंडिया में, MP में भी हम देख रहे हैं कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, बच्चे एक एक दिन पहले शिवानी किताब उठा के पढ़ रहे हैं और मार्क्स ले आ रहे हैं, लर्निंग आउटकम कुछ नहीं है, रट के जा रहे हैं वहां पर, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आता कुछ नहीं, स्किल जीरो है। तो ये वाली समस्या नहीं हो इसलिए NAC ग्रेडिंग दे रहा है। और अगर आपके कॉलेज की ग्रेडिंग इतनी अच्छी है, A++ ग्रेड है, यानी निश्चित रूप से आपके स्टूडेंट्स को सही में चीजें आती हैं, और जिस कॉलेज में स्टूडेंट सही में चीजें सीख रहे हैं, अच्छी स्किल्स उनके पास हैं, तो उस कॉलेज में अच्छे कंपनीज रिक्रूट करने भी आएंगी। कंपनीज रिक्रूट करने अगर अच्छे भारी संख्या में आएंगी तो नेक्स्ट बैच जब होगा तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचेंगे। यानी कि NAC की ग्रेडिंग लेना उस कॉलेज के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपके पास NAC की अच्छी ग्रेडिंग है तो कंपनीज आपके स्टूडेंट्स को लेने आएंगी, क्योंकि कंपनीज को मालूम है इस कॉलेज में पढ़ाया अच्छे से जा रहा है, और बच्चे आपके पास अगले साल और बढ़ बढ़ कर आएंगे क्योंकि उनको मालूम है इसी कॉलेज से हमको रिक्रूटमेंट मिल रहा है। तो दोनों का फायदा है, तो देश का भी फायदा है भाई अच्छे से पढ़ रहे हैं, कंपनी का भी फायदा है अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, कॉलेज का भी फायदा है ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए NAC की ग्रेडिंग का सेंस बनता है। तो A++ ग्रेड अभी दी गई है एक गवर्नमेंट कॉलेज को, देश का पहला गवर्नमेंट कॉलेज। अब पहला ये क्वेश्चन है कि सर इसका क्या ये मतलब है कि प्राइवेट कॉलेज को पहले NAC की A++ ग्रेड मिल चुकी है। हाँ, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस को NAC की A++ ग्रेड मिल चुकी है, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंटल कॉलेज ऐसा नहीं हुआ है। तो लेकिन अब मिल गया है गवर्नमेंट कॉलेज को भी, और मध्य प्रदेश के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है मोहन यादव साहब, उन्होंने ट्वीट करके इस चीज की जानकारी दी। देखो क्या बोला, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन भारत देश में NAC में उच्चतम ग्रेड अंक प्राप्त करने वाला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। महाविद्यालय को 3.5 CGPA प्राप्त हुआ है, 3.5 CGPA जो कि गवर्नमेंटल कॉलेज में हाईएस्ट मिला है। बताओ बच्चों को ये कॉलेज गाली देते हैं कि तुम्हारा CGPA कितना बेकार है, इनका CGPA देखो है तो बेकार लेकिन अपने आप में अच्छा है, मतलब दूसरे कॉलेजेस गवर्नमेंटल कॉलेज और पीछे, और इसलिए A++ ग्रेड आया है मोहन यादव। ठीक है, तो गवर्नमेंट माधव साइंस कॉलेज जो उज्जैन का है ये इसका सही जवाब है, इसको मिला है A++ ग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अभी तक देश में ऐसे केवल 28 कॉलेज हैं जिनको ये A++ ग्रेड ओवरऑल मिला है। ठीक है, तो आपको मालूम है वो सब प्राइवेट हैं, अभी गवर्नमेंटल को भी मिल गया। आइए पढ़ते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट असेसेस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्लियर है। फाउंडेड 1994 HQ बंगाल, तो काम का नहीं है। कब फाउंड हुआ NAC, काम का नहीं है। हेडक्वार्टर देख लो, अगर सही लग रहा है तो कर पाओ तो करो, वरना क्वेश्चन तो वही आना है शासकीय महाविद्यालय उज्जैन गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन, बस इतना दिमाग में रखना, वही आपका एग्जाम में आना है। पेरेंट एजेंसी इसकी UGC है, UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसको NAC को फंडिंग देती है। तो जो NAC अपना काम करता है असेसमेंट का, इसमें लोग होंगे तो वो लोग कैसे काम करते हैं भाई, फंडिंग चाहिए ना उसके लिए, जाएंगे विजिट करेंगे वहां पर समय बिताएंगे सर्वे करेंगे, तो UGC फंडिंग देता है NAC को। और ये पूरी चीज NAC या UGC ये सब अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। मुझे उम्मीद है ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये पूरी चीज हो रही है, हेडक्वार्टर बेंगलोर है। चलो अब गवर्नमेंट माधव साइंस कॉलेज की बात करें, आइए
तो एस्टेब्लिश्ड इन 1969, कॉलेज गॉट अ सीजीपीए ऑफ 3.58, सीजीपीए दिमाग में रखना। हो सकता है कि जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं व्यापम या पटवारी, कभी कभार उनमें कभी कभार कोई फैक्ट पूछ लेते हैं। एमपीपीएससी में तो करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन व्यापम में पूछा जा सकता है। तो सीजीपीए भी दिमाग में रखें 3.58। अभी तक केवल 28 कॉलेज हैं देश के जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत जरूरी क्वेश्चन। ये इससे संबंधित नहीं है, लेकिन इस के कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले एमपी से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है, विच यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी गॉट द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सुनना, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, 1946 में एस्टेब्लिश हुई। सोचो, देश को आज़ादी भी नहीं मिली है और 1946 में देश की पहली मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी 1946 में एस्टेब्लिश हुई सागर में, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी। और इसी हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी को आगे चल के 2008 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। इस प्रकार ना सिर्फ ये मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, बल्कि ये मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। यही हमारा क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बताओ जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर। कब मिला दर्जा? 2008 में मिला, लेकिन एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1946 में एस्टैब्लिश हुई थी। चलो, तो शुरू में प्राइवेट थी, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हुई और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आगे आएंगे, विद सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश विल बिकम द फर्स्ट सेंचुरी इन द कंट्री टू स्टार्ट टाइगर सफारी। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं टाइगर सफारी का। इसका जवाब है रातापानी सेंचुरी। सुनिएगा, अभी से लगभग एक महीना पहले मैं गया था रातापानी सेंचुरी। रातापानी सेंचुरी में भी ऐसा है कि यहाँ पर शेर मौजूद हैं, सबने सुना हुआ है ना, लेकिन बहुत कम मौजूद हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। सुनिएगा, एक महीने पहले की बात है, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। टू व्हीलर से आप जा नहीं सकते क्योंकि शेर हैं, ठीक है, कम दिखते हैं लेकिन हैं, तो अटैक कर सकते, तो टू व्हीलर अलाउड नहीं है, आपको अपना फोर व्हीलर लेके जाना पड़ेगा। हम लोग गए हुए थे कुछ और भी लोग साथ में, और वहाँ पर हमको टाइगर दिखा, टाइग्रेस दिखी, जो मतलब जो फीमेल टाइगर था, मादा जिसको हम कहते हैं, वो दिखी और उसके बच्चे भी दिखे। और यकीन मानिए, जब आप सामने अपने आप देखते और अचानक, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम कहते हैं ठीक है यार ऐसे ही घूम फिर के आ जाएंगे, लेकिन जब वो सही में सामने दिखा तो हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि टाइगर का जो फेस मैंने अपने जीवन में पहली, इससे पहले मैंने टाइगर केवल जू में देखा है, वन विहार नेशनल पार्क जो है भोपाल में, लेकिन ऐसे ओपनली इतना बड़ा उसका फेस था। और वो बच्चों के साथ थी, और जब बच्चों के साथ होता है टाइगर तब तो और डेंजरस होता है, क्योंकि उसको थ्रेट अगर फील हो गया कि उसके बच्चों को थ्रेट है आपसे, फिर तो आप गए। तो काफ़ी दूर हम लोग खड़े हुए थे, लेकिन वो पहली बार था कि मैं सच में देखा ओरिजिनली अपने इतने पास, हालत ख़राब हो जाती है। तो रातापानी सेंचुरी में, अब आप बोलोगे सर जब टाइगर सफारी आप कर ही आए तो फिर ये क्या शुरू कर रहे हैं, आप तो कराए ना सर टाइगर सफारी, आप तो घूम के आ गए। देखो, टाइगर सफारी अभी जो कर सकते हैं रातापानी में, वो प्राइवेट व्हीकल से कर सकते हैं। आप अपना व्हीकल ले जाओ, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से व्हीकल आप प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे आप में से अगर कोई लोग पचमढ़ी गए हो, तो पचमढ़ी में क्या होता है कि आपको है ना वो जीप लेनी पड़ती है, ग्रीन कलर वाली, डार्क ग्रीन कलर की एक जीप देते हैं, वो गवर्नमेंट की होती है। तो वहां पे वो व्यवस्था है कि सफारी करवाएंगे, या बांधवगढ़ नेशनल पार्क गए हो तो वो कहते हैं गवर्नमेंट की गाड़ियां होती हैं, भाई वो कह रहे हैं वही करवाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा अभी तक नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट की गाड़ियां यहां पर आएंगी, रातापानी में खड़ी रहेंगी, और आपको जाना है, आपको उनकी गाड़ियों में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, गाइड तो वैसे अभी भी देते हैं वो, लेकिन अब गाड़ी भी उनकी होगी। तो ये है आपकी टाइगर सफारी, कहाँ पर शुरू हो रही है? रातापानी सेंचुरी में शुरू हो रही है। मैं आपको बता दूं, रातापानी सेंचुरी सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देश की, जिसने अपना खुद का लोगो भी निकाला था कुछ समय पहले। ये बात भी करंट अफेयर्स में आई थी। ये है इनका लोगो, ये लोगो ही है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इज द फर्स्ट सेंचुरी टू हैव इट्स ओन ऑफिशियल लोगो। ठीक है, इसका मेजर पार्ट रातापानी सेंचुरी का रायसेन में लगता है, रायसेन जिले में लगता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका सीहोर में भी लगता है। चलिए पढ़ते हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1976, स्प्रेड मेनली इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट बट सम पार्ट इज इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू लॉन्च इट्स लोगो। नेक्स्ट बात करेंगे, सून टाइगर सफारी विल बी स्टार्टेड हेयर, अ फिश म्यूजियम इज ऑल्सो प्रपोज्ड हेयर। तो एक मछली घर भी यहाँ पर प्रपोज्ड है। टाइगर सफारी तो मैंने बता ही दिया यहाँ पर शुरू होगी, लोगो भी इसने लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले, मैंने बताया था कि इन्होंने अपना सेलिब्रेट भी किया था, है ना, अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट भी किया था कुछ दिन पहले ही, करंट अफेयर में भी हमने देखा था। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो राला मंडल सेंचुरी लिखा है, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, ये इंदौर जिले में मौजूद है। नेक्स्ट बात करेंगे, नौरादेही सेंचुरी, ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, और मैंने आपको बोला था कि नौरादेही तीन जिलों में लगती है, सबसे ज्यादा ये सागर में है। इसको याद कैसे करना है, नौरा, नौरा कौन है, नौरा फतेही, याद है ना, डांसर नौरा फतेही,
है ना। तो नौरा फतेही डांसर है, किससे संबंधित है, ड्रामा से संबंधित है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऐसे याद रखो, नौरा फतेही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से संबंधित है, यानी एनएसडी से संबंधित है। तो नौरा किससे संबंधित है, एनएसडी से संबंधित है, जहां पर एन है आपका नरसिंहपुर, एन क्या है, नरसिंहपुर है। इसके अलावा बात करें तो आपका जो एस है वो सागर है और जो डी है वो दमोह है। तो टेक्निकली तो ये तीन जिलों में मौजूद है। कौन तीन जिलों में मौजूद है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत बड़ी, तीन जिले लगते हैं बताओ इसको, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया इसका सागर में है। तो अगर आपको एक चुनने को आ जाए ऑप्शन में कि भाई तीनों ऑप्शन भी दिए हैं, एक कोई चौथा भी दिया और आपको एक चुनना है, तो आप सागर चुनना, मैक्सिमम एरिया इसका सागर में है। कामधेनु की बात करेंगे तो कामधेनु सेंचुरी एक काऊ सेंचुरी है, ये दुनिया की पहली काऊ सेंचुरी है। कामधेनु काऊ सेंचुरी आगर मालवा, कामधेनु सेंचुरी इज वर्ल्ड्स फर्स्ट काऊ सेंचुरी। तो यहां पर कोई वाइल्ड एनिमल का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, यहां पर काऊ का संरक्षण कर रहे हैं, जो कि दुनिया में पहला ऐसा सेंचुरी है जहां पर काऊ को कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आगर मालवा में ये मौजूद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑन दी 116th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चंद्रशेखर आजाद इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल अ स्टेट लेवल यूथ महापंचायत भी ऑर्गेनाइज। तो आपके पास चार ऑप्शन है। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बात चल रही है कि इनसे संबंधित एक यूथ महापंचायत कहां पर ऑर्गेनाइज की जाएगी, ये आ सकता है एग्जाम में, जरूरी बात है। तो आए बढ़ते हैं भोपाल में। अब होश में रहना है, चंद्रशेखर आजाद निश्चित रूप से आपने इन सबका इनका नाम जरूर सुना होना चाहिए, ये सिर्फ एमपी की या किसी और की बात नहीं है, तो भाई देश के हीरो हैं चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को कहां पर हुआ, तो भाभरा विलेज में हुआ, उसी भाभरा विलेज में जो आज अलीराजपुर जिले में है, और आज भाभरा विलेज का रीनेमिंग कर दिया गया है, इसको चंद्रशेखर आजाद नगर कहते हैं भाभरा विलेज को। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ और 23 जुलाई भी आने वाला है, तो वहीं पर 23 जुलाई को हम देखेंगे इनकी 116वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए लगाई जाएगी यूथ महापंचायत, लेकिन कहां लगाई जाएगी, भोपाल में लगाई जाएगी। तो है क्या 116वीं बर्थ एनिवर्सरी चंद्रशेखर आजाद साहब की, जिनका जन्म भाभरा अलीराजपुर या चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर में हुआ, लेकिन ये जो यूथ महापंचायत ये भोपाल में ऑर्गेनाइज होगी। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़े तो इनको क्विक सिल्वर बोला जाता था, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्विक सिल्वर ये बड़ा फेमस इनका निकनेम है, क्यों, क्योंकि किसी के हाथ नहीं लगते थे। असली में मर्क्यूरी जो होता है ना, मर्क्यूरी मेटल, उसको बोलते हैं क्विक सिल्वर, क्योंकि वो हाथ में नहीं आता। कभी आप देखना थर्मोमीटर कभी बचपन में टूट गया हो तो मर्क्यूरी नीचे अगर बिखर जाता है, उसको पकड़ने की अगर आप कोशिश करोगे तो वो आगे निकल जाएगा, वो हाथ में नहीं आता है ना, मर्क्यूरी हाथ में नहीं आता है, क्विक सिल्वर इसलिए बोलते हैं उसको, क्योंकि वो निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि मैं आजाद ही पैदा हुआ हूं, मैं आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा, कभी भी ब्रिटिशर्स के चंगुल में नहीं आऊंगा, और ये इनने करके दिखाया। ठीक है, कितने सारे केसेस हुए जिसमें इनने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की, ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हाथ में नहीं आते थे, और अंत में 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क, जो आज अलाहाबाद में है, वहां पर जब ब्रिटिशर्स ने इनको घेर लिया, तब भी क्योंकि इनने बोला भाई मैं हाथ नहीं आऊंगा, ये इनका प्रण था, और इसलिए इनने अपने आप को खुद मार दिया गोली से, लेकिन ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आए। तो ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। बॉर्न ऑन 23rd जुलाई 1906 इन भाभरा, चंद्रशेखर आजाद नगर आज कहते हैं उसको भाभरा को, अलीराजपुर जिले में ही पड़ता है। निकनेम क्विक सिल्वर आजाद पंडित जी, तो पंडित जी भी एक इनका निकनेम है, एग्जाम में आ सकता है कि विच अमंग दी फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज ऑल्सो नोन बाय दी निकनेम पंडित जी, चंद्रशेखर आजाद कर दीजिएगा। अच्छा, अब क्या क्या किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, HRA, बाद में इसका रीनेमिंग किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में दिल्ली में। अब सुनिएगा, ये जो HSRA संस्थान है, इसने ही 1928 में दिसंबर में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्योंकि लाला लाजपत राय पर क्या किया गया था, लाठीचार्ज लाहौर में, और इसलिए उनकी डेथ का बदला लेने के लिए इन्होंने दिसंबर 1928 में सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी इसी HSRA के लोगों ने, जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, राजगुरु शामिल थे। नेक्स्ट बात करें, आगे चल के इसी HSRA संस्थान ने 8 अप्रैल 1929 को, एक तो दिसंबर 1928 में मार दिया सॉन्डर्स को, और अब आप सोचो दिसंबर 1928, इमेजिन करो साल का आखिरी महीना, और फिर कुछ महीनों बाद अप्रैल 1929 में, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ये HSRA से संबंधित लोग ही हैं। ठीक है, तो ये है HSRA। नेक्स्ट बात करें, इन्होंने स्टूडेंट्स को भी ओरछा के पढ़ा है, जब इन पर जब इनने ये सब गतिविधियां HSRA कर रही थी, तो
निश्चित रूप से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साहब ने तो भाई अपना वो दे दिया, अरेस्ट खुद ही करवा दिया, क्योंकि जब उनने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद वो भागे नहीं, तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ढूंढ रही थी सॉन्डर्स मर्डर केस में, और तब ये कुछ समय ओरछा में रहे, और ओरछा में गुप्त स्थिति में, है ना, अंडरग्राउंड थे ये, तो नाम बदल के रह रहे थे, तो क्या नाम था एग्जाम में आएगा, हरिशंकर ब्रह्मचारी, तो होश में रहना, चंद्रशेखर आजाद नाम का एक अंडरग्राउंड नेम था, छुपा हुआ नेम था, हरिशंकर ब्रह्मचारी, ओरछा में जब ये रहे थे तब इनने नाम रखा था, और वहां पर इन्होंने कई रेवोल्यूशनरीज को, सुनना अच्छे से, गलती नहीं करना, रेवोल्यूशनरीज को गन चलाने की ट्रेनिंग दी, और जो स्कूली बच्चे थे, जो स्कूल के बच्चे थे, उनको पढ़ाया भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें। चल फिर इनकी डेथ 27 फरवरी 1931 एल्फ्रेड प्राग प्रयागराज। अच्छा, स्टेट लेवल युद्ध महापंचायत क्यों ऑर्गेनाइज की जा रही है भाई, क्योंकि ये युद्ध आइकन है, तो सिंपल सी बात है, युद्ध को मोटिवेट कर रहे हैं कि इनके जैसे बनूं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनूं, पेट्रियोटिक फीलिंग डेवलप करेंगे उन लोगों में, बच्चों में, युद्ध में, ठीक है, एक आइडियल मैन बनो, तो ये है स्टेट लेवल युद्ध महापंचायत को ऑर्गेनाइज करने का लॉजिक। एमपी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी 23-24 जुलाई 2022 को भोपाल में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दी ओनली साइंस सेंटर फ्रॉम इंडिया विच हैज बीन एडेड टू नासा ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट। अच्छे से सुनना ये, तो भाई क्वेश्चन तो चलो मैं बता ही दूंगा आपको इसका आंसर, लेकिन ये छोटा मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है दुनिया में। जेम्स वेब टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, सबसे आज तक का पावरफुल टेलीस्कोप, पिछले साल 25 दिसंबर 2021 को ये भेजा गया था स्पेस में। कब? 25 दिसंबर 2021। इससे पहले कई टेलीस्कोप भेजे गए, लेकिन जो एक नाम जिसका बड़ा फेमस हुआ, हबल, आपने सुना होगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में भेजा गया था स्पेस में, और ये आज तक ऑपरेशन में है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, 1990 की टेक्नोलॉजी वीक थी, उसका जो जूम करने का पावर था, देखने का पावर था, बड़ा कम था। अब आप देखो, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा भेजी गई इमेज है, और उसी इमेज को अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजा है। कितना मैसिव फर्क है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप भेजा गया स्पेस में। ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा तो यूएस की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये भेजा गया है। 1000 करोड़ इसको बनाने में लगे थे, और इसने अभी कुछ दिनों पहले जुलाई में ही अपनी सबसे पहली इमेजेस भेजी हैं। तो सर, ये 25 दिसंबर से लेकर अभी तक क्या कर रहा था भाई? पहले तो वो स्पेस में गया है ना, काफी दूर तक, तो आप समझो, ऐसा नहीं कि यहां से हमने 25 दिसंबर को उसको भेज दिया और फिर वो फोटो भेजना शुरू कर दे बिल्डिंगों की, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले निकल तो जाए, उस पॉइंट पर पहुंच तो जाए जहां से वो स्टेशन, मतलब एक फिक्स पॉइंट पर बैठकर सारा व्यू लेगा। तो पहले वो वहां तक पहुंचा, फिर उसने पूरा डेटा इतना इकट्ठा किया, कितनी मैसिव मेमोरी लगी, और फिर उसके बाद उसको भेजा है। तो अभी जुलाई महीने में सबसे पहली इमेजेस, ऐसी इमेजेस और बहुत सारी और भी इमेजेस पहली बार जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा अर्थ में भेजी गई, और नासा ने दुनिया भर के कई सारे ऐसे साइंस सेंटर्स को जोड़ लिया था। वहां पर बच्चों को बुलाया गया और उनको ये पहली बार इमेजेस दिखाई गई। अब तो ये इमेजेस मौजूद है इंटरनेट पर हर जगह, लेकिन पहली बार अभी जब रिलीज की गई थी, और वहां पर नासा के साइंटिस्ट लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हर एक इमेज को एक्सप्लेन भी कर रहे थे, तो सोचो आप कितनी बड़ी बात है कि इंडिया से एकमात्र साइंस सेंटर को चुना गया नासा के द्वारा कि हम यहां पर भी ये ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट जो होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप की पिक्चर्स का, भोपाल में भी उसको करेंगे। तो भोपाल का जो रीजनल साइंस सेंटर है उसको चुना गया था। तो सुनिए, दी ओनली साइंस सेंटर फ्रॉम इंडिया, सोचो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में बहुत एडवांस, बेंगलोर में एडवांस लेबोरेटरीज है, एडवांस साइंस सेंटर है, लेकिन भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर को चुना गया, निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेजेस को यहां पर बच्चों को बताया गया था, ठीक है। ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप, आपको देखने में बड़ा छोटा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यह क्या है, ये क्या करता होगा। अरे भैया, इसने जो फर्स्ट इमेजेस भेजी ना, उसने ही कितना ज्यादा साइंटिस्ट को क्यूरियस कर दिया। आज तक ऐसी ऐसी गैलेक्सीज और स्टार्स जिनको देखा तक नहीं गया था, वो इसने बता दिया। ये कोई छोटा टेलीस्कोप नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ये जो येलो कलर का आपको रीजन दिख रहा है ना, आप सोच रहे होगे कि कितना छोटा सा ये इमेज है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा मिरर है, ये असल में मिरर्स लगे हुए हैं। ये देखिए, इधर ध्यान देंगे, अब आप सोचो जो चीज आपको अभी मैंने दिखाई थी आपको इतनी छोटी दिख रही थी, असल में ये इतना बड़ा मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं। तो जो भी लाइट रेज आएंगी इससे रिफ्लेक्ट होंगी, उसके बाद जो इमेज कैप्चर करेगा उसके बाद अर्थ में भेजेगा। ये मिरर्स हैं, गोल्ड प्लेटेड मिरर्स हैं, ठीक है। अब आप सोचो, ये देखो इंसान आपको कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, सोचो इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया। मैं कह तो रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया, ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलो, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, रीजनल साइंस सेंटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर
नासा और जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो रीजनल साइंस सेंटर कहाँ है? भोपाल में। 1995 में शंकर दयाल शर्मा जिस समय प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। मैं आपको बता दूं, शंकर दयाल शर्मा भोपाल से ही संबंधित हैं और ये देश के 8वें वाइस प्रेसिडेंट और 9वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और जब ये 1992 से 1997 के बीच में देश के 9वें प्रेसिडेंट थे तभी उन्होंने रीजनल साइंस सेंटर का इनॉग्रेशन 1995 में किया है। इन दिस इवेंट रीजनल साइंस सेंटर भोपाल सेलिब्रेटेड द फर्स्ट फुल कलर इमेजेस एंड अदर डेटा ऑफ नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। चले आए नासा के बारे में करें फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है। इस बार तो भाई बड़े ही गंदे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहे थे। गंदा का मतलब है कि भाई मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनका नुकसान होता है ऐसे क्वेश्चन से, है ना, क्योंकि ये सब बना लेते हैं, कोई सेंस नहीं रहता। इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, है ना। तो वैसे ही भाई नासा का ही पूछ लेते, कम से कम ये होता कि हो सकता था कुछ लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि जो पढ़ के जाते हैं बच्चे उनका नुकसान हो जाता है, उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा, है ना, और क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। चलो तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा इज एन इंडिपेंडेंट स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस। तो क्या बोला? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन है। 1958 में इसको फाउंड किया गया और फाउंडर बड़े साइंटिस्ट आइसन होवर, है ना। तो फाउंडर का नाम है आइसन होवर। 1958 वॉशिंगटन डीसी में ये स्थित है नासा। जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें, ये दुनिया का लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। ये इंफ्रारेड लाइट में काम करता है। इसके अलावा नासा का यही स्पेस टेलीस्कोप एक पार्टनरशिप है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एनर्जी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और नासा। ऑब्वियस सी बात है, $1,000 करोड़ को बनाने में आए हैं और लॉन्च डेट इसकी 25 दिसंबर 2021 है। थोड़ी देर पहले मैंने $1,000 करोड़ बोला था, डॉलर लगाना भूल गया, $1,000 करोड़ की बात हो रही ना, और इसका लॉन्च मास है 6,000 किलो। चले नेक्स्ट बात करेंगे। चले अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एमपी हिस्ट्री मेंस कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं। तो जो भी बच्चे नए हैं, एमपी हिस्ट्री मेंस कोर्स का लाइव क्लास अभी हमने शुरू किया है, जिसमें हम लोग पूरी यूनिट 5, जो आपकी पेपर 1 पार्ट ए की यूनिट 5 है, जो बच्चों को काफी टफ पड़ती है हिस्ट्री, तो उसमें हमने यूनिट 5 शुरू किया है। होलकर, सिंधिया, भोपाल, गोंडवाना, बुंदेला और बघेल हम इसमें कर रहे हैं। इसकी लाइव क्लास रोज रात को 8 से 9 बजे होती है। और अगर आपको उसका लाइव ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप पीडीएफ में मौजूद या डिस्क्रिप्शन में मौजूद इस लिंक को क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उसका रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 550 में भी परचेस कर सकते हैं। तो जो बच्चे लाइव में आना चाहे वो लाइव देख सकते हैं। जिनको रिकॉर्डेड चाहिए कि नहीं सर रिकॉर्डिंग दे दो आप, तो हम तो अपने आप देख लेंगे, तो रिकॉर्डेड कोर्स 550 में उपलब्ध है। इस पर्टिकुलर कोर्स में 3, 5, 11 मार्क्स में रेडीमेड बनी हुई चीजें आपको रोज पढ़ाई जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई दुनिया की दूसरी किताब नहीं उठानी है, जो मैं करवा रहा हूं बस आपको वही पढ़ के याद करना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको परेशान नहीं होना कि भैया यशवंत राव होलकर पर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, वो सब हमने 3, 5, 11 में जिस पर जो बनता है क्वेश्चन सब देख लिए और उसके बाद ही फिर आपको बस राइटिंग प्रैक्टिस करना है और मुझे भेजना है, फिर मैं आपको चेक करके बताता हूं कैसा लिखा है। ऑफलाइन वीडियोस में डाउनलोड हो जाती है ताकि बार बार इंटरनेट ना लगे। HD वीडियोस आपको मिलेंगी, PDF वहीं पर मिल जाएंगी जो भी हम पढ़ते हैं। 100% वेरीफाइड डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, क्योंकि हिस्ट्री में समस्या आती है, गलतियों के चांस बहुत रहते हैं, एक जगह पर कुछ लिखा है दूसरी जगह पर कुछ, तो 100% ऑथेंटिक डेटा है और आपको इसके बाद कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आपको ये लिंक भी PDF में मिल जाएगा, इस लिंक के थ्रू आप सीधे रिकॉर्डेड कोर्स परचेस कर सकते हो और इस लिंक के थ्रू आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हो। चलो आगे की बात करते हैं, और भी कोर्सेज पर आएंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लेना तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। रिसेंटली ऐश्वर्य प्रताप तोमर, क्योंकि हम लोग बीच में गैप हो गया था तो थोड़ा सा आज क्वेश्चन ज्यादा है एक दो, तो परेशानी की बात नहीं। रिसेंटली ऐश्वर्य प्रताप तोमर वन विच मेडल इन 50 मीटर राइफल इवेंट इन ISSF वर्ल्ड कप। बहुत जरूरी, मैं आपको कह के थक गया भाई, पता मुझे ये कैसे अभी तक ये व्यक्ति पर क्वेश्चन नहीं आया है। ऐश्वर्य प्रताप तोमर को एकलव्य अवार्ड 2019 में मिला। एकलव्य अवार्ड 1994 में शुरू हुआ और इसमें 19 साल के कम एज के लोगों को अवार्ड दिया जाता है, ₹1,00,000 इसमें मिलते हैं। सुनना, आगे चल के इस व्यक्ति ने ISSF वर्ल्ड कप, जो शूटिंग का सबसे बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड कप, पिछले साल न्यू दिल्ली में 2021 में न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें इस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, जूनियर लेवल पे खेला लेकिन गोल्ड मेडल जीता, और फिर से इस बार इस व्यक्ति ने ISSF वर्ल्ड कप में फिर से गोल्ड मेडल जीता। इस पर पता नहीं क्यों क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा इवेंट है, जिसे हम बोलते हैं ना अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में, उसमें कोई व्यक्ति जीतता है, कोई टीम जीतती है तो उसमें नाम हो जाता है ना। विराट कोहली का अपने समय पर नाम हुआ था,
आगे जाके जो भी उसमें जितवाता है नाम हो जाता है, बड़े बड़े नाम बन जाते हैं भाई। ये व्यक्ति ने उतनी ही बड़ी अचीवमेंट की, ISSF वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है तो वो आपको इमेज दिख गई गोल्ड मेडल पकड़े हुए। खरगोन के व्यक्ति है, खरगोन के शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर क्लिच द गोल्ड मेडल एट द 50 मीटर राइफल शूटिंग इवेंट। कहां पर? वर्ल्ड कप जो ISSF का हुआ, कहां पर हुआ? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में एक जगह है चेंगवन, वहां पर ये वर्ल्ड कप हुआ है। पिछले साल न्यू दिल्ली में हुआ था, तब भी गोल्ड जीता। इस बार चेंगवन साउथ कोरिया में हुआ, तब भी गोल्ड जीता है। ये उनका दूसरा गोल्ड मेडल है, ये भी मैंने बता दिया। इनको एकलव्य अवार्ड 2019 में मिला। एकलव्य अवार्ड में 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। अब पहले 50,000 था, अब 1 लाख दिया जाता है। 19 साल से कम एज के लोगों को दिया जाता है, ठीक है। हाँ, और 1994 में शुरू हुआ। चलो, तो ये भी मैंने पूरी बात आप सभी को बता दी। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे तक पहुंचने से पहले मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा था, रिसेंटली विच कॉलेज ऑफ MP हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन द कंट्री टू गेट A++ ग्रेड ऑफ NAC। तो गवर्नमेंट माधव साइंस कॉलेज उज्जैन को A++ ग्रेड मिला है NAC का। क्यों मिला है? क्योंकि इसने काफी अच्छा लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स को सिखाया है, जिसकी वजह से जो टीम आई थी शुरू में, उनने है ना गलत नंबर काउंट कर लिया PhD डिग्री होल्डर्स का, तो उनने नहीं दिया इसको ग्रेड। बाद में इन्हें अपील की कि नहीं नहीं भाई आपने गलत किया, तो फिर वो फिर से आए, सर्वे किया और फिर उनको पता लगा कि नहीं उनसे ही गलती हुई थी, फिर इसको A++ ग्रेड दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी जगह पर टाइगर सफारी अभी शुरू हो रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? नेशनल पार्क्स में तो कई सारी हैं, लेकिन जो ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें कौन सी पहली है? तो उसमें अब आपका रातापानी सेंचुरी में टाइगर सफारी शुरू होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, 116वीं बर्थ एनिवर्सरी चंद्रशेखर आजाद साहब के भी 23 जुलाई को होगी, तो युद्ध महापंचायत भोपाल में ऑर्गेनाइज होगी। इनका जन्म भाबरा या चंद्रशेखर आजाद नगर जो अलीराजपुर में है वहां पर हुआ। एकमात्र साइंस सेंटर इंडिया का जिसको सिलेक्ट किया गया है नासा ने अपने ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में, तो वो कौन सा है? भोपाल का रीजनल साइंस सेंटर, जहां पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली बार जो इमेजेस रिलीज की थी वो उस पर डिस्कशन हुआ, उसको दुनिया में रिलीज किया गया, तो भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में भी रिलीज किया गया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप जो चेंगवन साउथ कोरिया में, उसमें कौन सा मेडल जीता 50 मीटर राइफल शूटिंग इवेंट में? गोल्ड मेडल जीता। खरगोन से आते हैं, एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते, तो आप लोगों के क्वेश्चन ऑफ द डे के जवाब सुन के मुझे बेहद खुशी होती है, है ना। कोई बात नहीं, बीच में जो भी गैप हो गया कोई नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब देंगे, से आपका भी रिवीजन होगा। जब भी क्लास होती है तो हम लोग वो पुराने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन आए भी तो इतना ज़्यादा MP में करंट अफेयर बन भी तो जाए कि उस पर कुछ पढ़ाया जाए, तो परेशान नहीं होना। कम डेटा आता है MP में, ये इंडिया का करंट अफेयर नहीं कि जिसमें रोज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने बड़ा डिटेल में आपको बताया। हाल ही में MP गवर्नमेंट ने एक अवार्ड जो वो पहले दिया करती थी उसको वापस से शुरू किया है। ये अवार्ड ऐसे व्यक्ति के नाम पे है जो एकमात्र पुलिस ऑफिसर हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आज तक किसी पुलिस ऑफिसर को पद्म विभूषण नहीं मिला, ये पहले ऑफिसर थे जिनको पद्म विभूषण मिला और इनने बहुत अच्छा काम किया था, और इसलिए इनके नाम पे एक अवार्ड रखा गया जो कि अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश ने हाल ही में इसको वापस शुरू किया है। आपको उसी अवार्ड का नाम बताना है, क्या वो श्रीजी अवार्ड है, क्या रुस्तम जी अवार्ड है, क्या नरहुना अवार्ड है, क्या कामट अवार्ड है, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि उस अवार्ड का नाम क्या है, ये हमने कुछ दिन पहले देखा था, तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। कोर्सेज की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी MP हिस्ट्री मेंस तो अभी शुरू ही हुआ है, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी का आपके पास कोर्स मौजूद है, प्री प्लस मेंस, MP पॉलिटी मौजूद है, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश सब मौजूद है। मैं आपको पूरी लिस्ट भी मैंने यहां दे दी है, जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टारगेट जिनका जनवरी है, जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि कल आंसर की भी आपकी आ गई, तो बिल्कुल उम्मीद है कि सब टाइम पर चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जनवरी में जो आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स है, अगर वो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज जिससे वो शुरू कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि यूनिट 1 ये अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाती है आगे की यूनिट्स को पढ़ने की। MP यूनिट 1 सबसे बड़ी यूनिट भी है MP की, इसमें पूरा MP हिस्ट्री, MP आर्ट एंड कल्चर, MP ट्राइब्स सब यहां मौजूद है। आप इससे शुरू कर सकते हैं, 60 लेक्चर का ये कोर्स होता है, और अगर आपने वो कर लिया तो निश्चित रूप से आपका MP यूनिट 1 यानी 15 से 20 क्वेश्चन सिक्योर हो गए। इसके अलावा MP पॉलिटी प्री प्लस मेंस, इकोनॉमी प्री प्लस मेंस, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो अभी मेंस पर फोकस कर रहे हैं, जो पहले दे चुके हैं, अभी उनको लगता है प्री में अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, मेंस की तैयारी अगर आप करें तो MP इकोनॉमी मेंस आप लोग ले सकते हैं ना। ये प्री प्लस मेंस के कोर्स में पूरा मेंस भी आपका कवर हो जाता है, काफी स्ट्रांग इसमें मटेरियल मौजूद है, आपको कोई दुनिया की किताब MP इकोनॉमी में इंग्लिश मीडियम में उठाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा MP हिस्ट्री मेंस भी हमने शुरू किया है, वो तो मैंने आपको बता भी दिया। चल, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, MP हिस्ट्री प्री अलग से भी मौजूद है,
चलिए तो अब हम लोग अपनी क्लास को वाइंड अप करने की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो निश्चित रूप से उन तमाम लोगों तक इसको पहुंचाएं जहां पे आपको लगता है कि उन तक पहुंचना चाहिए, उनका भी फायदा होना चाहिए। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी बच्चे जा सकते हैं। ओके बाय बाय। थैंक यू टाटा। सी यू अगेन।